नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप देख रहे हैं आपका अपना यजवार लोकल न्यूज, आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। कटरा प्रखंड में भयानक आंधी तूफान के साथ आज तेज बारिश हुआ, जिसमें यजवार पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 5 में मोहम्मद माजिद के आम से लदा पेड़ तूफान में जड़ से उखड़ गया। तूफान इतना भयानक था कि आम का वृक्ष हवा के कारण काफी दूर जाकर गिरा, जिसमें एक महिला मामूली रूप से घायल हो गई। हम आपको बता दें कि भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे चक्रवाती तूफान अम्फान का असर बिहार पर भी पड़ने वाला है। बिहार में तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 72 घंटे के लिए बिहार में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के तरफ से जारी किए गए अलर्ट में 20 तारीख से लेकर 22 मई के बीच चक्रवाती तूफान का असर होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा के साथ साथ बारिश और कई जगह पर ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तूफान की तीव्रता बिहार आते आते हालांकि कम होने की उम्मीद है, लेकिन बावजूद इसके मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिला में बादल छाए रहेंगे और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात अम्फान के मद्देनजर अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात ज्यादा मजबूत है, लेकिन ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकरा रहा है। इस कारण बिहार के मौसम पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग ने 22 और 21 मई को आंधी तूफान को लेकर बिहार के सभी जिला में ब्लू अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।